ऐसे करना। अरे ऐसे ऐसे ऐसे, तेरा उंगली छोटा ऊपर दिखाना, उंगली इतना छोटा सा, ये क्या होता है, ये ऐसे करना, ऐसे दिखना चाहिए, ये दिखता ही नहीं मेरा, तो तेरा उंगली छोटा है, तो ये ऐसे कर, मेरे नहीं जाते थे, इसका ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देख रहे हैं, ऐसे दिखिए, ऐसे वही Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Maya Beauty and Vlogs. So, आज के वीडियो मैं करूँगी अपने भाई का मेकअप, जो कि K-pop मेकअप है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूँगी मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, तो मैं निविया का क्रीम यूज कर रही हूँ, जो कि लड़का लड़कियों दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा सही है ये क्रीम, तो दोनों यूज कर सकते हैं इसको आराम से। तो अभी हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, तो नेक्स्ट अभी मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। तो मैं फाउंडेशन के लिए फिटमी का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यही है। तो इसका जो सेड है वो 115 है आइवरी। तो इसको आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेके यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से लगा नहीं है, तो आप दोबारा उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में ही आप ज़्यादा मत लीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने इतना लिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट फेस में अप्लाई कर लूँगी। तो इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हो, बट मुझे इससे इजी लगता है इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। तो जो मेरे हाथ में थोड़ा सा रह गया था उसको भी मैं इस ब्लेंडर में दे रही हूँ, और आपको डैब डैब करनी है। तो मैं और थोड़ा सा अभी और यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो वैसा कवरेज नहीं आया जैसा मुझे चाहिए था, तो मैं और एक बार थोड़ा यूज कर रही इसको। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो अभी मैं जो नेक्स्ट यूज करूंगी वो कंसीलर है, क्योंकि इसके आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स? तो किधर रहते हैं डार्क सर्कल्स? मेरे कोई डार्क सर्कल्स नहीं है। अब नेचुरल कलर से तूने अपना आर्टिफिशियल कलर लगा दिया, तो इसको भी ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ऊपर आप देख सकते हो कंसीलर ब्लेंड हो गया अच्छे से। तो उसके बाद मैं सेटिंग पाउडर लगाऊंगी, मतलब रोज पाउडर, आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो मैं जॉनसन का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। सो गाइस, कैसे दिख रहा हूँ? तो अभी नेक्स्ट मैं ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ इसकी फेस को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, मतलब जो इसका मेन एरिया, जो बोन एरिया है उसको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए। तो उसके फेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं अभी ब्रॉन्जर यूज करूंगी। तो यहाँ मैं सिवाना का यूज कर रही हूँ। तो ये थोड़ा लाइट कलर है, मैं ये वाला यूज करूंगी। देख सकते हो इसका बेस मेकअप हो गया है, तो हम अभी थोड़ा इसके आंखों में मेकअप करेंगे, क्योंकि जो के पॉप है उनका जो
आई लुक होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसका भी हम थोड़ा आई लुक करेंगे उसी के जैसे थोड़ा ट्राई करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं इसके आईब्रोज बनाऊंगी पहले, उसके बाद मैं आई मेकअप करूंगी। तो आप देख सकते हैं इसके आईब्रोज बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो जो के पॉप वाले होते हैं उनका भी थोड़ा ब्रॉडी रहता है। तो चलिए देखते हैं अभी इसको थोड़ा शेप दे के कैसा दिखता है। तो मैं दोबारा वही ब्रॉन्जर में से थोड़ा ये डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो के लिए मैं ब्लैक यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो ब्लैक नहीं करते, उनका लिटरली जो भी मतलब मेकअप होता है या उनके आईब्रोज होते हैं सब ब्राउन में ही रहता है, तो इसलिए मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। स्टार्ट करेंगे अभी आई मेकअप। तो अब मैं आई मेकअप के लिए यूज़ करूँगी ये हुडा ब्यूटी का, तो इसमें से मैं लाइट कलर ले रही हूँ, लाइट ब्राउन, तो ये वाला कलर। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करेंगे थोड़ा डार्क कलर। सेम डार्क कलर लिया है ये, उसी को मैं नीचे यूज कर रही हूँ। आंखों बंद मत करना। तो जो के पॉप मेल होते हैं उनका मतलब जो आई लुक होता है थोड़ा स्मोकी टाइप में रहता है, तो इसलिए थोड़ा स्मोकी टाइप में किया है, बट इस पे अच्छा नहीं लग रहा। कोई नहीं, ट्राई करते। और तो नेक्स्ट में ये काजल यूज कर रही हूँ एज अ लाइनर। तो इसको थोड़ा ब्लेंड करेंगे। थोड़ा स्मोकी लुक दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट मैं अभी उसके नोज में हाईलाइट करूंगी थोड़ा सा ताकि वो और अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ ये वाला कलर। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसका मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हाईलाइटर, ये जो नोज ब्रिज है उस साइड में। आप देख सकते हो आई मेकअप भी हो चुका है और बेस मेकअप भी हो चुका है, तो पूरा मेकअप हो चुका है। अब लास्ट हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका मेकअप हो गया है, बस इसके थोड़े से बालों को सेट करना है। तो अभी हम इसके बालों को थोड़ा सेट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसा लगता है। फाइनल लुक है। हमने इसका बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्राई किया, बट आप देख सकते हैं इसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करें। तो फाइनली हमने ये ट्राई किया है लास्ट, ये थोड़ा ठीक ही लग रहा है। कैसा आप बताना कैसा लग रहा है नीचे? तो आप देख सकते हो इसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, आप ये देखिए। तो इसके कारण समझ में ही नहीं आता कौन सा हेयर स्टाइल करें। तो ये भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
ये है फाइनल लुक, अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ होगा नहीं। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, अगर हम इसको कैप पहना है तो साइज से थोड़ा ठीक है। साइज से क्या पहना के देखते हैं। उसका आधा पूरा मुंह कवर हो गया। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आपको कैसा लगा आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।